हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू geetakinu.com। geetakinu.com में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बची हुई दाल से एक रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं बची हुई दाल से सांभर की रेसिपी। इसे आप बनाकर आप इसे पराठे के साथ, चावल के साथ, और डोसे के साथ, इडली के साथ, वड़ा के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आपने इसे बची हुई दाल से बनाया है। बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो आप इसे क्लिक कर लें, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, आप इसे भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन बेल ऑन हो जाए, और जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये देखिए, मेरे पास बची हुई दाल है। ये अरहर दाल है क्योंकि सांभर जो है वो अरहर दाल से ही बनता है। तो मेरे पास ये एक कटोरी दाल बच गई थी, रात को मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो आज मैं इससे आपको सांभर बनाना सिखा रही हूँ। अगर आपके पास कोई और भी दाल बच जाती है तो मैं उससे भी आपको रेसिपी सिखा दूँगी, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिएगा कि अगर आप और भी रेसिपीज देखना चाहते हो और दालों से। तो फिलहाल ये मेरे पास अरहर दाल है, इसी से हम सांभर बनाएंगे। तो अब हम लेंगे एक कुकर जिसमें मैं ये दाल ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए रात की दाल है, मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था तो ये जम चुकी है। तो इस तरीके से अगर आपके पास अरहर दाल बच जाए तो आप इसका सांभर बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा किलो घिया जिसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है। आप चाहे तो इसमें कद्दू डाल सकते हैं, बैंगन डाल सकते हैं, जो भी आप सांभर में सब्जी पसंद करते हैं वो सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। ड्रमस्टिक्स डाल सकते हैं, तो जो भी सब्जी आप पसंद करते हैं। फिलहाल मेरे पास घिया है तो मैं घिया ऐड कर रही हूँ। तो ये आधा किलो घिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी भी थिकनेस रखना चाहते हैं सांभर की। तो मैं यहाँ पर मीडियम रखूँगी, बहुत पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक गिलास फिलहाल पानी ऐड किया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। ध्यान रहे दाल में भी नमक होगा तो इसलिए हम यहाँ पर नमक थोड़ा कम ऐड करेंगे। मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब यहाँ पर रेड चिली पाउडर। अगर आपकी दाल मसाले वाली है ज़्यादा तो आप मसाले कम डालें, लाल मिर्च कम डालें। तो यहाँ पे अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून सांभर मसाला। मेरी जो दाल है वो बहुत ही कम मसाले की है तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़े मसाले ज़्यादा डालूँगी। और अगर आपकी ऑलरेडी दाल जो है वो मसाले वाली है तो आप मसाले कम डालें। तो ये मैंने अब सांभर मसाला ऐड कर दिया है इसमें। अब इसमें मैं थोड़ा सा और पानी डालूंगी, ये मुझे गाढ़ा लग रहा है क्योंकि पकने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 लाल टमाटर बड़े साइज़ का। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और 2 से 3 सीटी लगा लेंगे ताकि जो हमारी सब्जियाँ हैं वो अच्छे से गल जाएँ। तो ये देखिए 2 से 3 सीटी लगा ली है मैंने कुकर में। अब इसका हम प्रेशर निकाल देते हैं। तो ये देखिए प्रेशर निकल चुका है, खोल के चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्जियां जो है वो अच्छे से गली हैं या नहीं। तो ये देखिए हमारा जो सांभर है वो आधा रेडी हो चुका है, बस इसमें तड़का लगाना बाकी है। तो हम घिया चेक कर लेते हैं, घिया गला है या नहीं। तो मैं इसे दबाकर चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा जो घिया है वो अच्छे से गल चुका है। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस पे एक कढ़ाई रखी है, इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं, पर इसमें ज़्यादातर सरसों का तेल यूज़ होता है। तो तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब मस्टर्ड सीड्स, सरसों के दाने। आप राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैं हींग डाल रही हूँ। सरसों के दाने को क्रैकल होने देंगे, इसमें से चटकने की आवाज़ आएगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 लाल मिर्च साबुत, इससे बहुत ही अच्छा लगता है सांभर। इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे।
अब इसमें मैं डाल रही हूँ करी पत्ता। करी पत्ता अगर आपके पास है तो डाल दें, क्योंकि बिना करी पत्ता के सांभर का मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने करी पत्ता इस्तेमाल किया है। एक प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है, इसे भी फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। तो ये देखिए प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है, कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम ये सांभर ऐड कर देंगे जो हमने तैयार करके रखा था। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। आप जितनी थिकनेस रखना चाहते हैं उस हिसाब से रख सकते हैं। अगर गाढ़ा करना चाहते हैं तो इसे थोड़ी देर और पका सकते हैं, पर मैं इसे इतना ही पकाऊंगी। अब यहाँ पे मैं डालूँ 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर। आप चाहे तो इसमें इमली का पल्प भी डाल सकते हैं या फिर चाट मसाला डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, और खट्टा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जितना खट्टा पसंद करते हैं। और इसे हम थोड़ा सा बॉयल आने देंगे। ये सांभर इतना टेस्टी होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने ये बासी दाल से बनाई है, बची हुई दाल से बनाई है। इतना टेस्टी होता है और ये काफ़ी कम टाइम भी लगता है इसे बनाने में, क्योंकि दाल हमारी ऑलरेडी कुक्ड होती है, तो इसे बहुत कम टाइम लगता है। और आप कभी भी आपका मन करे आप इसे चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ, इडली के साथ। तो ये देखिए हमारा जो सांभर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है बहुत ही कम समय में। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब कभी भी आपकी अगर अरहर दाल बच जाती है तो आप इस सांभर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी सांभर बनता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।